हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत चंगर के गांव ग्लोट कला में गांव के लिए जाने वाले रास्ते को रोके जाने पर प्रतिनिधिमंडल ने डीसी हमीरपुर से शिकायत कर रास्ते को खुलवाने की मांग की है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में ग्लोट कला की महिलाओं में रीना कुमारी, रचना देवी, संध्या, आशा, सरिता और मीरा ने डीसी हमीरपुर को गाँव में रास्ता बंद करने के बारे में जानकारी दी और ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि गांव के रास्ते से ट्रैक्टर को जाने नहीं दिया जाता है, जिसके चलते मक्की की बिजाई में भी देरी हुई है। उन्होंने बताया कि इस बाबत पंचायत प्रधान को भी कई बार समस्या के बारे में शिकायत की गई है, लेकिन पंचायत की ओर से भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण अब मजबूरन डीसी हमीरपुर से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। प्रतिनिधिमंडल की महिलाओं ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे सभी ग्रामीण बहुत परेशान हैं। उन्होंने डीसी से गुहार लगाई है कि जल्द समस्या को हल करवाया जाए। वहीं डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने भी महिलाओं को समस्या को जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। सर, हमारे गांव का जो है वो ट्रैक्टर का रास्ता रोका हुआ है, गांव के ही एक आदमी सुरम सिंह ने, तो मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप रास्ता खोल दो, फसल का टाइम है तो दिक्कत आ रही थी हमें, तो उन्होंने रास्ता नहीं खोला। और रास्ते में जो रास्ता है जो पंचायत के द्वारा उसका काम करवाया गया है, मतलब पूरा पंचायत का पैसा लगा हुआ है, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने पत्थरों का ढेर लगा के उसको बंद कर दिया। हमने रिक्वेस्ट भी करी, फिर पत्थरों को हटाने की कोशिश भी करी कि चलो हम हटाते हैं, पर उन्होंने मतलब हमारी बात नहीं मानी। प्रधान को भी हमने इस बारे में बताया कि आप एक बार भाईबंदी से आके मौका देख लो, तो पहले बोलते हैं कि हाँ जी हम जो भी है लिखित रूप में दोगे तभी हम आएंगे मौका देखने, ऐसे नहीं आएंगे। हमने एप्लीकेशन भी दे दी 11/6/2021 को, फिर भी वो नहीं आए। मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने का कहना है कि पंचायत का काम डेवलपमेंट करवाना है, ना कि ये झगड़े सुलझाना, और जब टाइम लगेगा तब देख लेंगे आके। तो मतलब आज तक कोई भी नहीं आया, पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं आया। ट्रैक्टर हमने खड़ा करा, रोका, उन्होंने 2-2.5 घंटे ट्रैक्टर खड़ा रहा, मतलब उस फिर हमें फसल का काम है तो हमें फिर काम तो करना ही था, बैलों से और साइकिल हल से हमें अपने मक्की बीजनी पड़ी। मैंने 12/6/2021 को सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की हुई है, उन्होंने बोला है कि 24 घंटे में आपको बताते हैं, हम मतलब 24-36 घंटे में बताते हैं। यही कि हमारा रास्ता खुलवाया जाए और परमानेंट सोल्यूशन निकले इस बात का, कोई हर बार यही वो मतलब वो उस आदमी का तो काम ये है कि बस जहाँ दिल करता है वहीं रास्ता रोक के फिर बैठ जाते हैं, मतलब हर किसी से वही है, उनका अपना इशू रहता है उनका। अभी तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, रास्ता पंचायत का पैसा लगा हुआ था तो हमने क्यों लगाया था पंचायत ने इतना पैसा, जब उन्होंने ऐसा करना था। और फिर बोलते हैं कि मैंने करा, तो ये तो फिर गलत है ना। तो परमानेंट कोई सोल्यूशन निकले इसके, ताकि चलो अब की बार तो हमने कर लिया ही है, मक्की बीज दी बैलों से फिर साइकिल हल से, लेकिन भविष्य में ऐसी अड़चन ना आए ना, उसके लिए हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए उसका।